कुल्लू के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र ढालपुर में आज कुल्लू के विभिन्न शिक्षा संगठनों की ओर से जरूरतमंद एवं निर्धन छात्रों के लिए मोबाइल फोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जरूरतमंद छात्रों को मोबाइल फोन वितरित किए। ये बच्चे जो शिक्षित किए थे सभी पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों से बात करके उन्होंने उनके पास उनका सभी का रिकॉर्ड रहता है, तो जो आर्थिक रूप से कुछ कमजोर बच्चे हैं इनकी भी तीन बहने हैं, एक आठवीं में प्लस वन में कॉलेज में पढ़ती है, तो इनका भी यही है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी बच्चा कोरोना काल के चलते शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। हम दो भाई हैं और मम्मी पापा। और मोबाइल हैं घर में? और मोबाइल नहीं है, पापा के पास कीपैड वाला फोन है और अब मेरे पास फोन है। आज मनुज है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मुझे होमवर्क करने में थोड़ी सुविधा होमवर्क करने में मुश्किल आती थी और मेरे पास फोन नहीं था और मैं अपने दोस्तों के घर जाकर उनसे कॉपियाँ मांग कर होमवर्क करता था। अब मेरे पास अपने पास फोन है और मैं इससे खुद पढ़ाई कर सकता हूँ। आपके घर में और तरह से मोबाइल अब मिला तो क्या सुविधा होगी? जब हमें होमवर्क आता था तो होमवर्क करने के लिए और घर जाना पड़ता था, वहाँ पे तब और घर जाके पड़ता था होमवर्क करना, अब हम खुद अपने घर में होमवर्क कर सकते हैं। कितने बहने हैं टोटल, थोड़ा जिक्र करो परिवार में? बहने हैं और मम्मी पापा। प्रियंका, किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मोबाइल मिला और पढ़ाई इसमें हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। ऐसे हमें अपने हमारे क्लासमेट के पास था फोन ना, ऐसे हमें उनके पास जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, आज खुद के पास हो गया फोन इसलिए खुद पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कुछ पापा क्या? हम तीन बहन है ना, मम्मी पापा है। किस स्कूल में पढ़ते हो? ठीक है। आई कुल्लू जिला के सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जो अध्यापक संघ है, इन सभी ने आपस में मिलकर के एक नई पहल को अंजाम दिया है और उस योजना का नाम भी इन्होंने रखा है और जिसको ये कहा कि डोनेट द मोबाइल एक्सप्लोर द चाइल्ड, तो इस नाम से इस प्रकल्प को प्रारंभ किया है और इसके लिए मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ। जिसमें इन्होंने अपने तौर पर ये कहा है कि सभी अध्यापक मिल करके ऐसे बहुत गरीब बच्चे जिनके पास यदि मोबाइल नहीं है तो पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, कोरोना का समय चला है, स्कूल लग नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ऐसे बच्चों को ये आपस में धन एकत्रित करके मोबाइल देने का काम प्रारंभ किया है और ऐसा बहुत से बच्चों को दिया भी है। तो आज उसका एक जो सिम्बॉलिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें आज 6 बच्चों को ऐसे मोबाइल प्रदान किए गए हैं जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से जो मोबाइल खरीद नहीं सकते ऐसे, और इसमें इन्होंने कहा है कि ये अपने तौर पर अपने स्कूलों में देखेंगे कि ऐसे बहुत गरीब बच्चे कौन हैं और उसमें अपने यानी व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से भी और साथ में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी और अन्य जो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे शिक्षा में दान करना चाहते हैं तो उन सब से भी निवेदन करके ताकि ऐसे बच्चों की मदद हो, या इनका व्यक्तिगत अध्यापक संघ का एक प्रयास है, उसके लिए इनको बधाई देता हूँ। नई शिक्षा नीति जो लागू करने की बात हो रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।